नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रिएटिव चंचल में। आज का वीडियो चैती छठ पूजा 2023 विशेष है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चैती छठ पूजा कब से कब है और उनके महत्वपूर्ण तिथियां क्या है एवं चैती छठ पूजा हम कैसे मनाते हैं, इसके महत्व और चैती छठ पूजा से एक कथा भी हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करती हूँ। चैती छठ आने में अब कुछ ही दिन बाकी है, उससे पहले चैती छठ पूजा की महत्वपूर्ण तिथियां आप सब जान लीजिए। मालूम हो कि साल में दो बार यह महापर्व छठ आता है, एक चैत्र माह में जिसे चैती छठ कहा जाता है, वहीं दूसरा कार्तिक मास में दीपावली के 6 दिन बाद मनाई जाती है। इस साल चैती छठ की शुरुआत 25 मार्च से हो रही है। छठ पूजा की धूम बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में अधिक रहती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक छठ व्रत और पूजा करने से संतान की आयु लंबी होती है, साथ ही सूर्य देव व्रतियों के परिवार को सुखमय रखते हैं। इतना ही नहीं, छठ का व्रत करने से छठी मही अन्य संतान दंपतियों को संतान सुख का आशीर्वाद भी देती हैं। तो दोस्तों आपको बता दे कि छठ का व्रत बहुत ही कठिन होता है। इसमें व्रती पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती है। इतना ही नहीं, छठ पूजा में पूरे 4 दिनों तक व्रत के नियमों का पालन करना पड़ता है और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना होता है। चैती छठ व्रत की शुरुआत 25 मार्च 2023 नहाए खाए से हो रही है। छठ पूजा में नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ का विशेष महत्व होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस साल 2023 में चैती छठ पूजा की तिथि कब है। पहला दिन नहाए खाए जो होगी 25 मार्च दिन शनिवार को। दूसरे दिन खरना जिसे किया जाएगा 26 मार्च दिन रविवार को। और तीसरा दिन संध्या अर्घ जो 27 मार्च 2023 दिन सोमवार को किया जाएगा। छठ का चौथा दिन यानी कि आखिरी दिन जिस दिन होगी उगते हुए सूर्य की पूजा, जो 28 मार्च 2023 दिन मंगलवार को है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि नहाए खाए के दिन व्रती महिलाएं क्या क्या करती हैं। नहाए खाए के दिन से ही महापर्व छठ की शुरुआत हो जाती है। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह स्नान कर नए वस्त्र धारण कर सूर्य भगवान की पूजा करती हैं। इसके बाद सात्विक खाना खाती हैं जिसमें प्याज लहसुन नहीं रहता है। कुछ जगहों पर नहाए खाए के दिन कद्दू की सब्जी भी बनाई जाती है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपके यहाँ नहाए खाए के दिन कौन कौन सी चीजें बनती हैं। छठ का दूसरा दिन यानी कि खरना, यह दिन व्रती महिलाओं के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि इसी दिन से उनका 36 घंटे का व्रत शुरू हो जाता है। खरना के दिन दूध, गुड़ वाली खीर और रोटी प्रसाद के रूप में बनाई जाती है। यह प्रसाद मिट्टी के नए चूल्हे पर ही बनता है। इसके बाद व्रती महिलाएं स्नान कर साफ वस्त्र पहनकर भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं। उसके बाद ही वे प्रसाद ग्रहण करती हैं। खरना के दिन ही छठ का प्रसाद यानी कि ठेकुआ और अन्य चीजें भी बनाई जाती हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन यानी कि संध्या अर्घ। छठ पूजा संध्या अर्घ तीसरे दिन पड़ता है। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दिन माता की पूजा सूप से की जाती है, जिसे सजाने के लिए ठेकुआ, चावल के लड्डू और बहुत तरह के फलों का प्रयोग किया जाता है। फिर व्रती महिलाएं और उनके परिवार के सदस्य सूर्य देव को अर्घ देते हैं। आपको छठ माता की पूजा सूप से ही करनी चाहिए और इस अनुष्ठान के दौरान भगवान को जल और दूध अर्पित होता है। छठ अर्घ की रात को छठी मैया की कथा सुने एवं अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर छठी मैया का भक्ति गीत भी गाएं। छठ पूजा के अंतिम और चौथे दिन उषा अर्घ विधि की जाती है, जिसमें उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रती अपने परिवार के साथ इस दिन नदी के किनारे जाते हैं और बड़े उत्साह के साथ अनुष्ठान करते हैं। वे छठी मैया और भगवान सूर्य से सुख, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना भी करती हैं। व्रत रखने वाले जातक अदरक और गुड़ खाकर अपना व्रत खोलते हैं यानी कि पारण करते हैं। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गई
छठ पूजा की व्रत विधि और उनकी तिथि। अब हम आपको एक छोटी सी छठी मैया से जुड़ी हुई पौराणिक कथा सुनाते हैं। छठ पर्व के दौरान छठी मैया की पूजा की जाती है। हमें छठी मैया के बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण से जानकारी प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र राजा प्रियव्रत निःसंतान थे। इस वजह से वह बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने महर्षि कश्यप से अनुरोध किया कि वह उनके लिए एक यज्ञ का आयोजन करे। फिर उन्होंने महर्षि के निर्देशानुसार पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन भी किया। यज्ञ की सफलता के स्वरूप रानी मालिनी के एक बेटे हुए, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ। यह राजा और उनके परिवार के लिए दुखद क्षण था। अभी आकाश में एक शिल्प प्रकट हुआ और उस पर छठी माँ विराजमान थी। राजा ने माता से प्रार्थना की, जिन्होंने खुद का उल्लेख भगवान ब्रह्मा की मानस बेटी के रूप में किया है, जो दुनिया के सभी बच्चों की रक्षा करती है और सभी निःसंतान माता पिता की गोद बच्चों से भर देती है। देवी ने अपनी शक्तियों से बच्चे को जीवन दिया, जो राजा के लिए एक वरदान था। माता की कृपा से प्रसन्न हो गए राजा ने कृतज्ञता पूर्वक छठी मैया की पूजा की। तभी से यह छठ पूजा का व्यापक परंपरा बन गई। छठ भगवान सूर्य की पूजा करने का यह दिन सबसे शुभ माना गया है। यह आपके जन्म कुंडली में सूर्य को मजबूत करने में मदद करता है। आप पर इसके सकारात्मक प्रभावों को भी बढ़ाता है और आपके इसके हानिकारक प्रभावों से भी बचाता है। भगवान सूर्य का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में सौभाग्य को आमंत्रित करने के लिए आज से ही छठी मैया और सूर्य देव की उपासना करना शुरू कर दें। छठ पूजा से जुड़े सभी अनुष्ठान प्रकृति और उसके आशीर्वाद पर ही केंद्रित है। इस त्योहार की सादगी और पवित्रता ही इस त्योहार को खास बनाती है। नकारात्मकता को दूर रखने और शरीर आत्मा को शुद्ध रखने के लिए सभी अनुष्ठान किए जाते हैं। इस त्योहार की सबसे खास बातें तो यह है, यह प्रमुख हिंदू त्योहारों के विपरीत इस दिन किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। यहाँ साक्षात सूर्य देव की पूजा होती है। यह त्योहार दुनिया की आत्मा और निर्माता की आंख कहे जाने वाले भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। इसलिए छठ पूजा का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इसमें सबसे खास बात तो यह है कि इस पूजा में साफ सफाई और नियमों का बहुत ही पालन किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह चैती छठ पूजा विशेष वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, एवं जाते जाते मेरे चैनल क्रिएटिव चंचल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। भगवान सूर्य और माता षष्ठी आपको और आपके परिवार को सभी प्रकार की सुरक्षा और खुशियाँ प्रदान करे। जय हो छठी मैया की।